हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिम्रांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सुप्तान्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुहासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आज भगवद गीता का जो अध्याय 9 है उसका श्लोक नंबर 11। औ जानिन्ते माम मूढ़ा मानुष्यम तिनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी वास्तविकता के विषय समझाते हैं और उन लोगों को मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता में लिखा है। माम मूढ़ा, मूढ़ा शब्द आया है भगवद गीता के श्लोक में। मूढ़ मतलब मूर्ख। जब मैं इस संसार में प्रकट होता हूं, मनुष्य रूप लेकर, जो मेरा वास्तविक रूप है, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर टीका टिप्पणी करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है? कि वो परम ईश्वर है, सब ईश्वरों के ईश्वर, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण। जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। इसलिए हमारा ये सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को यथारूप में स्वीकार करें, कृष्ण को यथारूप में स्वीकार करें। और कृष्ण का यथारूप क्या है? परम ईश्वर का। कृष्ण का यथारूप है परमेश्वर का।
सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हमने अपने जीवन में कृष्ण को एज ए परमेश्वर स्वीकार किया है? और अगर ऐसा नहीं किया है और कृष्ण को मात्र एक शक्तिशाली मनुष्य ही समझ लिया है या कोई देवता ही समझ लिया है या देवताओं के बराबर ही समझ लिया है, तो यहाँ कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति मूढ़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो मेरी वास्तविकता को नहीं समझ पाया। और कृष्ण की वास्तविकता यही है कि कृष्ण परमेश्वर है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव, कोई शक्तिशाली हो सकता है लेकिन कृष्ण के तुल्य कोई भी नहीं, कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई नगर सेवक होता है फिर जिला अधिकारी होता है फिर मंत्री होता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति होता है, ऐसे कृष्ण जो है वो जगतपति है। कृष्ण के परे कुछ नहीं है, कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया। गीता में इसलिए हमारा परम कल्याण होगा अगर हम कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्ण पालक है, कृष्ण जीवों को उत्पत्ति का कारण है और संहार भी कृष्ण ही के हाथ में है। उन्हीं के इशारे पे सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु पवन पानी सब चलता है। इसलिए से कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सब भाग्यशाली हो कि आपने अपने जीवन में कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, जो उनका वास्तविक रूप है, जो उनकी वास्तविक स्थिति है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आपको कृष्ण ने कृपा करके ऐसी सत्बुद्धि दी है कि जिसके माध्यम से आप कृष्ण को परमेश्वर परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। अन्यथा तो मूर्ख लोग, मूढ़ा लोग, या कृष्ण गीता में कह रहे हैं, वो कभी ये बात स्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, फिर भी वो मूढ़ है कृष्ण की दृष्टि में। और कोई सांसारिक दृष्टि से कम पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा लेकिन कृष्ण को परमेश्वर के रूप में मान लेता है, तो वो सबसे ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है। हम सबों का परम कल्याण इसी में है कि हम कृष्ण को स्वीकार करें परमात्मा के रूप में। इसी में हम सबों का परम कल्याण है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों ने तो ये चीज स्वीकार कर ही ली है, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। जिन्होंने नहीं किया प्लीज कृपया अपने ऊपर दया कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की शरण श्री चरणों का आश्रय स्वीकार कीजिए परमेश्वर के रूप। आशा करता हूँ आप सब